एक बार फिर आमने सामने है खबर है कि रिजर्व बैंक सरकार के नोटबंदी के मकसद से सहमत नहीं था। 8 नवंबर 2016 को हुई बोर्ड बैठक में रिजर्व बैंक का मानना था कि नोटबंदी से कालाधन बाहर नहीं निकलेगा और इससे इकोनॉमी को नुकसान भी होगा। इस बारे में और डिटेल से बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी प्रदीप पंट्या। प्रदीप, रिजर्व बैंक को क्या आपत्तियां थी और क्यों थी? जी हाँ, देखिए, नोटबंदी का फैसला जब लिया गया था तो उस दिन एक आनन फानन में शाम को बैठक बुलाई गई थी आरबीआई बोर्ड की, और आरबीआई बोर्ड की उस बैठक में नोटबंदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। ये हम आपको बताएं कि आरबीआई ने वहां पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार ने जो तर्क रखे थे उसके पक्ष में, उस पर जो आरबीआई बोर्ड के विचार हैं, ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं बोर्ड मीटिंग के, वो बाहर नहीं आते। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आज छपी है, उन्होंने ये मिनट्स हासिल किए हैं और उसके अंदर से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक आरबीआई ने ये चेतावनी दी थी आरबीआई बोर्ड ने कि जीडीपी घट सकता है, शॉर्ट टर्म में दबाव नजर आएगा। नोटबंदी की वजह से जो काला धन बाहर आने की बात थी उस पर आरबीआई का ये कहना था कि वो काला धन सोने में है, प्रॉपर्टी में है, अलग अलग एसेट्स में है, तो नकली नोट केवल नोट से निकल कर नहीं आएगा। नकली नोट वाला भी जो मामला था वहां पर आरबीआई का ये मानना था कि नकली नोट कोई इतने बड़े परिमाण में नहीं है, 400 करोड़ के आसपास के नकली नोट। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो जिस मकसद से जो तमाम कारण गिराए गए थे सरकार की ओर से, उनमें आरबीआई बहुत कन्विंस नहीं था। हाँ, ये जरूर आरबीआई का मानना था कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा। प्रदीप, ये बताइए, सरकार रिजर्व बैंक से चाहती क्या है? देखिए, आरबीआई से सरकार को अपना या बजट का घाटा कम करने के लिए रिजर्व्स चाहिए, और दरअसल हर साल सरकार को आरबीआई से डिविडेंड मिलता है, 50,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड मिला करता था, और ये एवरेज हमने करीब मेंटेन होते हुए देखा है। इस बार आरबीआई से थोड़े ज़्यादा पैसों की उम्मीद है। इसमें जो विवाद का विषय है वो ये है कि आरबीआई के पास करीब 10 लाख करोड़ के रिजर्व हैं, और इस रिजर्व में से आरबीआई सरकार को कितना हिस्सा दे सकती है, कितना पैसा दिया जा सकता है, उसी पर ये सारा विवाद चल रहा है। हम आपको जरा ये समझाने की कोशिश करेंगे। वीके शर्मा साहब एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के, और उन्होंने अपने ब्लॉग पे ये सारे डिटेल्स अभी हाल में साझा किए, वो हम आपको बता रहे हैं। करीब 7 लाख करोड़ जो है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व है। रीवैल्यूएशन का मतलब आरबीआई ने जो बॉन्ड खरीदे हैं, सोना खरीदा है, वो सारे एसेट्स के ऊपर चूंकि उनके दाम बढ़ गए साल दर साल, तो वो प्रॉफिट है, सरप्लस है। लेकिन वो सरप्लस ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में है, आपको वो एसेट बेच करके वो कैश मिलेगा, या तो आप वही बॉन्ड सरकार को ट्रांसफर कर सकते हैं, शायद ये दूसरा तरीका हो। दूसरा जो हिस्सा है वो है करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का, और ये जमा पूंजी है पिछले 20 सालों की। जैसे हम और आप जितनी कमाई करते हैं उसमें जो सेविंग बच जाती है वो बैंक में डालते हैं, वैसे आरबीआई हर साल जो कमाई करता है उसमें से जो खर्चे निकलते हैं उसके बाद जो सरप्लस आता है वो आरबीआई दरअसल जमा कर रहा है अपने रिजर्व के तौर पे। और ये आरबीआई को फायदा कैसे होता है? देखिए, आरबीआई जो करेंसी जारी करता है उसके सामने उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। बैंक जैसे लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन आरबीआई खुद करेंसी इशू करता है तो वहां पर उनकी केवल प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है। लेकिन जब उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो कोई एसेट खरीदता है, कोई बॉन्ड खरीदता है, तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह से ये जो प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा उनके पास जमा होता है। मार्केट ऑपरेशंस जो करते हैं आरबीआई, उससे भी उनको प्रॉफिट आता है, वो भी उसको जमा करते हैं। तो ये 20 साल का जमा किया हुआ रिजर्व है, इसमें से सरकार को कितने पैसे दिए जा सकते हैं ये एक सवाल है। तो जानकार ये कह रहे हैं कि दरअसल इस साल की जो कमाई है उसमें से जो सरप्लस आया अपने खर्चे निकालने के बाद वो आरबीआई सरकार को दे सकता है। लेकिन क्या पुराने जमा किए हुए रिजर्व से भी सरकार को पैसे दिए जा सकते हैं? इस पर यह धारणा है कि उसके लिए आरबीआई एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। जो बाकी के 7 लाख करोड़ हैं उसको भी मैं साफ करूं कि वहां पर पूर्व सीए सुब्रमण्यम साहब का कहना था कि बहुत ज्यादा रिजर्व है आरबीआई के पास। इनफैक्ट 24% के करीब जो हमारे रिजर्व्स हैं उससे ज्यादा रिजर्व दुनिया में केवल 3 ही बैंकों में है, बाकी किसी भी सेंट्रल बैंक के पास इतने रिजर्व्स नहीं है। लेकिन आरबीआई के कई पूर्व गवर्नर्स का यह कहना रहा है कि हमारे देश में चूंकि आप करंट अकाउंट में डेफिसिट में चलते हैं तो आरबीआई की AAA रेटिंग जो है वो बनी रहनी जरूरी है और उसके लिए बड़े रिजर्व्स चाहिए। तो इस वजह से यहां पर भी मतैक नहीं है। लेकिन आमतौर पर यह समझा जा रहा है कि जो 2.5 लाख करोड़ का आपका सरप्लस है जो आपने जमा किया हुआ है सिर्फ उसी में से सरकार कुछ हिस्सा ले सकती है और इस 7 लाख करोड़ के रिजर्व्स को छेड़ा नहीं जाना चाहिए।